रूसी गैस और तेल पर ग्लोबल जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका ने रूस पर बैन लगाया तो रूस ने नई चाल चल दी। रूस ने साफ कह दिया कि आज से रूबल में ही वो तेल और गैस बेचेगा। इस बीच यूक्रेन से तेल और गैस के आयात को लेकर भारत ने फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय देश अभी भी रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार बने हुए हैं। अमेरिका प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका के मित्र देश भी रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन है कि उन पर इसका कोई असर नजर नहीं आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से लड़ने के लिए पुतिन आज से एक बड़ा फैसला लागू कर रहे हैं कि रूस से गैस लेना है तो रूसी बैंक में रूबल का खाता खोलो और उसी से भुगतान करो। Наших авиакомпаний, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал. А что касается долгосрочных решений, то очевидно, что необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых услуг. दुनिया में तेल और गैस के निर्यात में बड़ा हिस्सा रूस का है, लिहाजा रूबल में सौदा कर पुतिन आर्थिक प्रतिबंधों के झटकों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो देश रूस पर निर्भर है वो अमेरिका या किसी और देश के कहने पर ज्यादा दिन तक रूस से तेल गैस सौदे का बहिष्कार नहीं कर सकता। ये बात रूस के खिलाफ खड़े ब्रिटेन को भी पता है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने मुलाकात में भी ये मुद्दा उठाया और भारत ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया। When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भारत अपने फैसले के लिए आजाद है। We respect other countries' decisions about the issues that they face. You know, India is a sovereign nation. I'm not going to tell India what to do. अमेरिका को भी समझ आ गया है, अगर रूस को आर्थिक तौर पर दुनिया से काटना है तो विकल्प भी देना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने 6 महीने तक हर दिन 1 बिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला लिया है। Look, the action I'm calling for will make a real difference over time. But the truth is, it takes months, not days, for companies to increase production. That's why the next part of my plan is so important. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels. यूक्रेन में जंग तेज है। अमेरिका और उसके मित्र देश खुद जंग में शामिल नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी है कि बिना लड़े रूस को झुका दिया जाए। आज तक ब्यूरो।